हे गाइस, आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग रेडमी नोट 9 प्रो 5G की। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, अब बारी आ जाए बॉक्स को ओपन करते हैं। तो बॉक्स को हम ओपन करते हैं, यहाँ मिल जाता है कुछ कार्टून्स का स्टिकर्स और यहाँ पर मिल जाता है टीवी केस, फिर स्मार्टफोन, फिर 33 वाट फास्ट चार्जर और USB टाइप सी पोर्ट। तो गाइस, अब बारी आती है फ़ोन की डिज़ाइन। तो फ़ोन का जो डिज़ाइन है ग्लासी डिज़ाइन है और नीचे लिखा हुआ है रेडमी। तो बात करते हैं फ़ोन की स्क्रीन, स्क्रीन है IPS LCD और बात करते हैं पोर्ट्स एंड बटन्स की। तो ऊपर हमें देते हैं आई ब्लास्टर और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फिर साउंड बटन और नीचे की बात करते हैं स्पीकर ग्रिल और USB टाइप सी पोर्ट और 3.5mm जैक। तो बात करते हैं फ़ोन की डिस्प्ले की। तो फ़ोन का डिस्प्ले 6.67 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले है और इसमें आपको मिल जाता है 120Hz सुपर फास्ट रिफ्रेश रेट, जो कि यार फ़ोन को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। और फ़ोन जो है ग्लासी डिज़ाइन में है, PUBG भी आप हाई ग्राफिक्स में खेल सकते हो और सेटिंग्स भी आप कर सकते हो। तो अगर सब बात करते हैं फ़ोन के कैमरा की, तो फ़ोन का जो कैमरा है 108 मेगापिक्सल का कैमरा है और इनफैक्ट रेडमी के सीरीज़ में ये सबसे पहला फ़ोन है जिसमें कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। और ये चाइना में रेडमी नोट 9 प्रो के नाम से लॉन्च हुआ है और इंडिया में शायद से ये रेडमी नोट 10 प्रो या फिर Xiaomi Mi 10i के नाम से जाना जाएगा या फिर लॉन्च होगा। तो इसका अनबॉक्सिंग भी हम ज़रूर से करेंगे और ये एक 5G फ़ोन होगा और इसका जो बैटरी है 4820mAh का बैटरी है जो कि ठीक ठाक है। और चार्जर की बात करें तो आपको यहाँ मिल जाता है 33W सुपर फास्ट चार्जर जो कि खैर अच्छा है। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।